Good morning class. We are doing part two of chapter 6 in science. In the last lesson, I missed a few points uh, we need to learn in this chapter. So we are going to quickly learn them before moving on to today's objective. Okay. So the chapter name is measurement of physical quantities. Right. Measurement means napna uh, But what do you mean by physical quantities? Physical quantities kya hai Right? We didn't discuss it in the previous class. So let's डिस्ट सो फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट कैन बी मेजर्ड ओके अगर कोई ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं हम लोग तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मतलब खूबियाँ ठीक है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम नाप सकते हैं ठीक है उन सबको हम फिजिकल क्वान्टिटीज बोलते हैं ओके एग्जाम्पल सो वी हैव अइसक्रीम कॉन ही एंड इफ़ आई आस्क यू हाउ कैन यू मेजर दिस आइसक्रीम इस आइसक्रीम को हम मेजर कैसे करेंगे इसको नापेंगे कैसे ठीक है ना द क्वेश्चन माइट सीम लिटल कन्फ्यूजिंग बट वट यू हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ठीक है अगर हमें अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया जाए तो क्या क्या मेजर कर पाएंगे इस आइसक्रीम में ओके सपोज आई गिव यू अ वइंग मशीन ओके okay? फिर हम इसका वज़न कर सकते हैं आइसक्रीम को इसके ऊपर रख के इसका वज़न कर सकते हैं ओके देन यू कैन कैलकुलेट इट्स मास ओके वजन को हम साइंस में मास बोलते हैं राइट नाउ सपोज आई गिव यू अ स्केल मैंने आपको एक स्केल पकड़ा दिया तो हम इससे क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग आइसक्रीम का सो यू कैन मेजर द हाइट ऑफ द आइसक्रीम यू कैन मेजर द ब्रेथ ऑफ द आइसक्रीम सो बेसिकली वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस आइसक्रीम Okay, and lastly, if I give you a thermometer, then what can measure this ice cream? We can measure the temperature of this ice cream. So coming back to what are physical quantities? So physical quantity is a property of a material that can be measured. So in the ice cream example, we saw if you are given a measuring instrument, we can measure mass. Okay, we can measure the length. Okay, we can measure the temperature, etc. Okay, so basically some of the Physical quantities are mass, length, temperature, time, etc. Okay. Uh, time is also a physical quantity because if you see the manufacturing date of the ice cream, you can calculate how much old it is, right? Manufacturing date बता सकते हो to ice cream kitna purana hai. So time is also a physical quantity. Right? So all these properties of any object are called as physical quantities: mass, length, temperature, time, etc.

उसको मेजर करने के लिए वी राइट ओनली द मैग्नीट्यूड सो दो क्वान्टिटीज आर कॉल एस स्केलर क्वान्टिटीज ऑन द अदर हैंड वी हैव वैक्टर क्वान्टीज वैक्टर क्वान्टिटीज़ क्या होता है क्वान्टिटीज़ विच आर डिफाइंड बाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उधर पर हमें नंबर भी लिखना पड़ेगा ठीक है एंड वी हैव टू ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओके फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट टू वॉज अ वैक्टर क्वांटिटी सो हाउ डू यू राइट डिस्प्लेसमेंट ट्वेंटी किलोमीटर नॉर्थ थ्री हंड्रेड मीटर साउथ वेस्ट एक्सेट्रा ठीक है वी आर राइटिंग द नंबर विच इज़ द मैग्नीट्यूड एंड वी आर ऑल्सो राइटिंग द डायरेक्शन ओके सो दिस काइंड ऑफ क्वान्टीज आर कॉल्ड एज वैक्टर क्वान्टिटीज ओकेट स्टार्ट विथ टोडेज ऑब्जेक्टिव देन सो टोडेज ऑब्जेक्टिव इज विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट हम मास और वेट के बीच में क्या फ़र्क होता है वो सीखेंगे ओके रिमेंबर मास एंड वेट आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स ओके हिंदी में हम जिसको वजन बोलते हैं ना ओके okay? साइंस में हम उसको मास बोलते हैं और वेट क्या है फिर तो वेट के बारे में हम इस लेसन में आगे जानेंगे ओके लेट्स क्विकली वॉच अ वीडियो एंड विल कम बैक विद ए क्वेश्चन आफ्टर द वीडियो ठीक है सो हियर आर सम रियल फुटेज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून ठीक है एस्ट्रोनॉट्स जब मून पे गए थे उसके कुछ रियल वीडियोस आप देख रहे हैं इधर पे सो दिस इज अ फन फैक्ट दैट the दिस एस्ट्रोनोट्स वेयर इट्स मास इज अबाउट about 127 kilograms ठीक है ये जो एस्ट्रोनोट्स सूट uh, पहनते हैं ना उस सूट का ही जो वजन होता है वो 127 ट्वेंटी किलोग्राम्स होता है ठीक है

ठीक है मून पे वो लोग उछल पा रहे थे ठीक है आराम से चल पा रहे थे सो वाई इज इट सो ऐसा क्यों है ओके यू माइट एफ हर्ड दैट मून पे वेट कम हो जाता है अर्थ से ये सुना है ना आपने ओके सो बेसिकली वॉट हैपन्स इज बिकॉज मून इज स्मॉलर देन अर्थ सो मून हैज लेस ग्रेविटेशनल फोर्स ओके बिकॉज ऑफ लेस ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट्स फील मच लाइटर ठीक है मून की ग्रेविटी कम होती है अर्थ से काफी तो वहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप को हल्के फील करते हैं ठीक है विद दिस लेट्स लर्न वॉट इज मास ठीक है क्वान्टिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ओके वॉट डज दिस मीन आपके बॉडी में जितना भी सब्सटेंस है जितना भी मैटर है उसको हम इकट्ठा मास बोलते हैं ठीक है हाउ डू यू मेजर मास यू मेजर मास थ्रू अ वेइंग मशीन आप वेइंग मशीन में जो मेजर करते हो ना दैट इज योर मास आपका वज़न ठीक है अ मास द सेकेंड पॉइंट वी नीड टू रिमेम्बर इज दैट अ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट व्हाट डज दिस मीन इज योर मास ऑन अर्थ एंड योर मास ऑन एनी डिफरेंट प्लानट विल बी सेम ओके अगर अर्थ पे आपका वज़न 50 किलो है ठीक है तो मून पे भी 50 किलो ही होगा मास विल नॉट

वेट क्या होता है ओके सो द डेफिनेशन ऑफ वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज वेट व्हाट इज वेट वेट इज अ फोर्स ओके वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ आपको अपनी तरफ खींचता है एंड इफ यू रिमेम्बर इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स ओके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स बाय विच अर्थ एट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट ठीक है सो बेसिकली वेट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है वेट का मतलब ही है ग्रेविटेशनल फोर्स ओके यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली दैट वेट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ओके एंड द थर्ड पॉइंट हियर इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। सो इफ यू गो ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स और मून्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स योर वेट विल बी डिफरेंट ठीक है आपका वेट डिफरेंट होगा बट आपका मास सेम रहेगा ओके एंड हाउ डू यू मेजर वेट वेट इज़ मेजरड इन न्यूटन्स मास को किलोग्राम में हम लोग नापते हैं और वेट को हम न्यूटन्स पे नापते हैं ओके न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी

वेट मास और वेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है अगर आपको मास दिया जाए तो आप वेट कैसे कैलकुलेट कर पाओगे ओके सो हियर इज द फॉर्मूला सो दिस इज द फॉर्मूला W इक्वल टू एम इन टू जी ठीक है W इक्वल टू एम इंटू जी वेर डब्ल्यू इज वेट इन न्यूटन W का मतलब है वेट ठीक है नाउ एम मीन्स मास इन किलोग्राम ओके एंड जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू डू नॉट नीड टू फोकस ऑन दिस टर्म ओके आपको हर क्वेश्चन में जी दिया रहेगा ओके एंड ऑन दिस टेबल यू हैव बीन गिवन जी इन डिफरेंट प्लेसेस सो इन अर्थ जी का वैल्यू टेन होता है ओके ऑन मून जी वैल्यू इज़ अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट सिक्स एंड इन स्पेस जी का वैल्यू जीरो होता है ओके लेट्स लर्न थ्रू एन एग्जाम्पल सो यर यू हैव सुपरमैन आपको सुपरमैन पता है ना सुपरमैन इज अ सुपर हीरो राइट आंसर क्वेश्चन इज सुपरमैन मास इज हंड्रेड के जी ऑन अर्थ सुपरमैन का अगर सुपरमैन ने अपना मास चेक किया अर्थ पे तो कितना आया हंड्रेड के जीज आया ठीक है सो यू हैव टू कैलकुलेट वॉट इज हिज वेट ऑन अर्थ ठीक है आपको सुपरमैन का मास दिया हुआ है आपको क्या करना है उसका वेट कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में दिया गया है कि जी ऑन अर्थ इज 10। ओके सो हाउ डू यू डू इट वी हैव अ फॉर्मूला राइट w इक्वल टू एम इंटू जी ठीक है सो योर आंसर लुक समथिंग लाइक दिस w इक्वल टू एम इंटू जी ये आपका फॉर्मूला हो गया सो यर डब्ल्यू इज योर वेट जो हमें निकालना है ओके m इज योर मास तो m कितना दिया हुआ है इधर पे 100 के ठीक है एन जी इस एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना दिया है अर्थ पे टेन दिया हुआ है सो एम का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं नीचे हंड्रेड के जीस जी का वैल्यू भी नीचे डाल देते हैं टेन ठीक है सो हंड्रेड इंटू टेन कितना बनता है थाउजेंड एंड द यूनिट फॉर वेट इज न्यूटन ओके सो द आंसर इज द वेट ऑफ सुपरमैन ऑन अर्थ इज थाउजेंड न्यूटन ठीक है लेट्स सी अनदर क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन इज गिवेन द सुपरमैन मास इज हंड्रेड के जीज ऑन अर्थ ठीक है सुपरमैन का मास अर्थ पे कितना है हंड्रेड के जी है नाउ वॉट इज इज मास मून इफ जी ऑन मून इज वन पॉइंट सिक्स अगर मून पे इसका मास निकालेंगे सुपरमैन का तो कितना आएगा सो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन ओके बिकॉज मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी का मास जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है कांस्टेंट मीन सेम होता है ओके इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो इफ सुपरमैन्स मास इज हंड्रेड के ऑन अर्थ ओके देन सुपरमैन्स मास ऑन मून विल आल्सो बी हंड्रेड के ऐसा क्यों होता है बिकॉज मास मीन्स मैटर इन योर बॉडी आपके बॉडी के अंदर जितना सब्सटेंस है उसको मास बोलते हैं ओके okay? तो सुपरमैन अर्थ पे रहता है तो उसके बॉडी में भी सेम ऑर्गेंस रहते हैं सेम सब्सटेंस रहते हैं ठीक है ठेके? और सुपरमैन मून पे भी चला जाता है देन ऑल्सो ही हैज द सेम सब्सटेंस इन हिज बॉडी ठीक है तो मास उसका कम नहीं होगा ओके हिज वेट में भी डिफरेंट बट हिज मास विल बी सेम ओके

वेट पूछा है एंड इट इज गिवन द जी ऑन क्रिप्टॉन इज मच फिफ्टीन जो जी है क्रिप्टॉन पे फिफ्टीन है सो पॉज दिस वीडियो नाउ एंड स्पेंड सम टाइम टू सॉल्व दिस अब कैसे करोगे यू विल यूज द फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एम इन टू जी ओके कमिंग बैक योर आंसर विल लुक समथिंग लाइक दिस डब्ल्यू इक्वल टू एम इन टू जी ओके एम जी इज

You have a small activity for you. So you have been given six units and you have to fill in the table. So a table may you have been given mass and you have mass column. Okay, you have length, you have this column and you have time. So you have to designate which unit belongs to which group. Is it mass, is it length, or is it time? Okay, pause this video and try to answer this.

पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग यूनिट्स सिस्टम यूज करते हैं ठीक है एंड स्टडी थ्री मेन टाइप्स द फर्स्ट टाइप इज एम के एस द सेकेंड टाइप इज सी जी एस एंड द लास्ट टाइप इज एफ पी एस ओके व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम के एस सिंपल है एम मीन्स मीटर ठीक है के मीन्स किलोग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड ठीक है सिमिलरली सी जी एस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स okay and FPS means foot pound and seconds all right these are the main three unit systems which are used around the world okay now let's come to water SI units SI units care so SI unit means units system international okay SI means system international okay so as you saw in the last table around the world there are different unit system right for example in india we majorly use the mks system that is meter kilogram and second system okay and in america they use the fps system they use foot pound and seconds system okay uh, so what the scientists around the world discovered that if you have different different systems at different different part of the world okay it is very confusing sometimes okay सो दे एग्री डैट इंटरनेशनली ठीक है इंटरनेशनली दे विल यूज़ ओनली वन सिस्टम एंड डैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज एस आई यूनिट्स सारे साइंटिस्ट मिल के इन्हें डिसाइड किया कि हम एक ही सिस्टम यूज़ करेंगे ठीक है इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एस आई यूनिट्स और उन्होंने कौन सा सिस्टम चूज़ किया तीनों में से दे चूज़ द एम के एस सिस्टम सो द एम के एस सिस्टम विच इस मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड ओके इज द इंटरनेशनली यूज सिस्टम एंड इज कॉल्ड द एस आई यूनिट्स ठीक है जो एम के एस सिस्टम है साइंटिस्ट ने उसको चूज किया इंटरनेशनल यूनिट्स बनाने के लिए राइट नाउ सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एज यू नो वेल मेजरिंग वी गेट एरर्स ठीक है गलतियाँ होती हैं मेजरमेंट करने में हाउ डू यू गेट दिस एरर्स इन मेजरमेंट देर आर मेनली टू मेन पॉइंट्स हेयर ओके द फर्स्ट इज़ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस मतलब क्या है अगर आप धंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट मेजर मास यूजिंग अ स्केल ठीक है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उससे आप अपना वजन नहीं नाप सकते राइट फॉर मेजरिंग योर मास यू हैव टू यूज अ वेइंग मशीन ओके सिमिलरली योर स्केल ओनली बी यूज टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस ओके सो इफ यू आर नॉट यूजिंग अप्रोप्रियट डिवाइस यू विल गेट एरर्स इन मेजरमेंट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट द सेकेंड पॉइंट इज इफ यू आर नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस करेक्टली सो मान लो हमने करेक्ट इंस्ट्रूमेंट लिया है ठीक है सो यू हैव टू मेजर ए लाइन ठीक है आपके पास एक लाइन है उसको आपको मेजर करना है आपने स्केल लिया है बट यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम वन रादर देन जीरो आपने वन से काउंट करना शुरू किया ज़ीरो को छोड़ के ओके देन यू कैलक्युलेशन विल बी रॉन्ग राइट सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट इफ यू आर नॉट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट करेक्टली आपने सही इंस्ट्रूमेंट लिया है लेकिन आप गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हो तब भी आपको एरर आएगा एरर मीन्स मिस्टेक आएगा आपके मेजरमेंट्स में ओके विद दिस इज अ इंडिविजुअल वर्क टाइम लेवल वन इज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स लेवल टू इज यू हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन ओके एंड लेवल थ्री यू हैव टू क्वेश्चन ओके दीज टू क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फाइंडिंग वेट आपको वेट निकालना है मास और जी दिया हुआ है आपको ऑल राइट द आंसर्स ऑफ दिस यूल फाइंड इन द आंसर की लेट्स क्विकली रिकैप वॉट यू लर्न टूडे हमने आज क्या सीखा जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट यू लर्न अबाउट ऑर् फिजिकल क्वान्टिटीज फिजिकल क्वान्टिटीज़ क्या होते हैं हमने जाना ठीक है ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड